तो ये जो प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ ईश्वर कौन है, ये कभी उठा ही नहीं था, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता जो हायरार्की की बात है ना, एक ऊपर, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, ये मनुष्य की सोच है और ये मनुष्य के बनाई हुई चीजें हैं, ईश्वर की नहीं। पहाड़ तो कभी आपस में बैठकर चर्चा नहीं करते कि कौन ज्यादा ऊंचा है, कौन कम है। नदियां तो बस बह रही हैं, बादल तो केवल चल रहे हैं, वायु तो बस चल रही है, स्थावर जो हैं, जो हिमालय हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो खड़े हैं, पेड़ जो हैं केवल उग रहे हैं। तो ये प्रश्न कभी उठा ही नहीं था। पिछले कुछ हजार वर्षों में जब मनुष्य को लगा मैं बहुत समझदार हो गया, तो भिन्न भिन्न भांति के मत जो हैं उठने लगे। यदि भगवद गीता का अध्ययन किया जाए तो शुरू से लेकर अंत तक भगवान ने यही बोला कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों की हवी जो है मुझे ही आती है, मैं ही समस्त सुखों को भोगता हूँ, रुद्रनाम शंकरश्च अस्मि, रुद्रों में आदित्य शंकर मैं हूँ, आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, भूतों में चेतना मैं हूँ और सब प्राणियों में आत्मा मैं हूँ। अथवा बहुने तेन किम ज्ञाते तब अर्जुन, बहुत जान के क्या करोगे कौंतेय, विष्ठाभ्य हम इदम कृत्स्नम एको अंशेन स्थितो जगत, बस इतना जान लो कि मैंने समस्त सृष्टि को अपने एकमात्र अंश में धारण किया हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, अगर ये समझ में आ गई तो ईश्वर क्या है आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, इन आंखों ने ईश्वर का दर्शन किया हुआ है, तो मैं अनुभव से बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं। इस शरीर में ईश्वर विद्यमान है, तो प्रत्यक्ष की बात बोल रहा हूं। जिस प्रकार आपके शरीर में असंख्य जीवाणु हैं, छोटे 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 छोटे, कई कोटि, कई करोड़, ऐसे ही इस आकाश गंगा में कई कोटि ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे। ऐसे ही ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ऐसे ही उसकी संरचना में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह। तो ऐसे ईश्वर का जो विग्रह होता है वो दिव्य है, जिसमें कि कई कई कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार आप अपने शरीर को यदि माइक्रोस्कोप के नीचे रख दोगे, एक सिंपल से टिश्यू को, उसको आप मैग्नीफाई करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, एक समय पर सेल्स ऐसे तैरते हुए दिखेंगे इधर उधर, ठीक ऐसे ही दिखेंगे जैसे ग्रह दिख रहे हैं तैरते हुए अंतरिक्ष में। तो ये जो सारा शरीर है, समस्त सृष्टि, इसको बोला गया है पुरुषोत्तम। तीन जो संज्ञाएं हैं उसमें से एक है पुरुषोत्तम, दूसरा है कूटस्थ। भगवान जो है अचल है, हिलने की आवश्यकता नहीं। तो ये ईश्वर का इतना बड़ा स्वरूप है। अब जिसको मंगल दिखा उसने बोला नहीं मंगल ग्रह है, जिसके पास थोड़ा ज्यादा बड़ा टेलीस्कोप था वो और पीछे तक चला गया, उसने बोला नहीं ग्रह तो वो भी है, मंगल तो सभी देख रहे हैं, मैं तो और बढ़िया ग्रह देख रहा हूं। तो दृश्य और दृष्टा, देखने वाला और देख रहा है, जो दिख रहा है, और दृष्टि जिसके माध्यम से देखा जा रहा है, इसका बोध तब तक होता है जब तक मनुष्य यहां से सोच रहा है। जब यहां से सोचना बंद हो जाता है, इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है, मन से ऊपर उठ जाता है, आत्मा में डूब जाता है, तब दृष्टा, दृष्टि और दृश्य तीनों एक हो जाते हैं, फिर ईश्वर में कोई अंतर नहीं। अब कौन सा ईश्वर श्रेष्ठ है वो निर्भर करता है किसका गुणगान आपने सबसे अधिक सुना है, कैसे व्यक्ति ने आपको कैसे कन्विंस किया, वो स्वरूप आपको श्रेष्ठ लगेगा। एक समय पर जितने भी आप देवी देवता आज के समय में हम पूजते हैं, वो कुल देवी देवता होते थे, रीजनल होते थे। सोचो ये साउंड सिस्टम के बिना 200-400 लोगों से बात करनी मुश्किल है,
आज से कुछ 100 साल पहले तो कुछ था ही नहीं, कितना बड़ा भोंपू लगा लोगे। तो एवरीथिंग वॉज लोकल, मनुष्य पूरे पूरे जीवन बिता देते थे बिना गांव के बाहर गए। तो कबीर बोलते हैं, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, अगर मैं बोल दूं ईश्वर दो है फिर तो ईश्वर को गाली देने वाली बात हो गई। तो मेरा जो सत्य है उसमें मुझे आज तक ये दुविधा नहीं हुई कि कौन से ईश्वर ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर है ही एक, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। अब एक रहस्य की बात आ जाती है, जो सारी उम्र आपकी आस्था मान लीजिए शिव में है और आपने भगवान शिव की आराधना की है, भगवान शिव को पुकारा है, भगवान शिव को माना है, सडनली एकदम से यदि आप अपना रास्ता बदल लेते हैं और बोलते हैं बस देवी माँ है मेरे लिए तो सब कुछ जी, तो बात जमेगी नहीं। आप देवता पत्थर को क्यों ना मान लो, यही तो इस धर्म से सबसे बड़ी सीखने वाली बात है। आप एक छोटे से पत्थर को उठा के देवता मान लो, उसमें से भी ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। यही धन्ना जाट ने किया था, यही रामकृष्ण परमहंस ने किया था, मानो तो सही। तो कौन ईश्वर श्रेष्ठ है, मैं कुछ भी बोलूंगा वो आपको एक अज्ञानता वाला उत्तर देने वाली बात होगी, उससे मैं आपको रिजिड बना दूंगा। मैं आपको यहां बैठ के सिद्ध कर दूं, देवी माँ सबसे श्रेष्ठ है, मेरे सामने आई है, गोद में खेला हूं, मां की वाणी का प्रभाव है, आप विश्वास भी कर लेंगे। परंतु जब अकेले में कभी बैठे होंगे ना, चिंतन करेंगे, तब होगा अच्छा पर व्हाट अबाउट दैट, किसी को क्या दिखता है, किसी को क्या दिखता है। तो जिन्हें ढूंढा तिन पाया, जैसे आपने ढूंढा वैसे आपको मिलेंगे। हाँ इतना मैं बोल सकता हूं एकदम असंशय हक से निश्चितता से कि यदि आप शरणागति हो और शरणागति हो के यदि आप तपस्वी हो जाते हो और आपकी स्वरूप में निष्ठा है, आपको स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। किसी को हो सकता है स्वप्न में हो जाए, किसी को स्वप्न से उठते ही एक अवस्था होती है उसमें हो जाए, किसी को थोड़ा ज्यादा प्रत्यक्ष हो जाए, पर आपको ये मान के चलना होगा कि मैं दर्शन कर सकता हूं और दर्शनों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एक बालक को एक कोच के पास जब भेजा जाता है, मान लीजिए किसी ने टेनिस सीखना है, तो वो मान के चलेगा कि कोच मुझसे ज्यादा जानता है, मुझसे अधिक जानता है, कोच मुझे ओलंपिक्स तक पहुंचा सकता है। अगर उसके मन में ये विश्वास ही नहीं होगा तो कोच से सीखेगा क्या? तो यदि मन में विश्वास नहीं तो फिर ईश्वर क्या कर सकता है? वो तो वही मूर्ति में खुश है, विग्रह में आपके भीतर बैठे हैं, खुश हैं। उनको क्या पड़ी है किसी को कुछ भी सिद्ध करने की? सिद्ध मनुष्य कुछ भी तब करता है जब उसको किसी को प्रभावित करना हो या अपना पक्ष बताना हो, देखो मैं सत्य ऐसा होता है। जो सत्य है उसको सिद्ध क्या करना है? हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो व्यवहारिक रूप से मेरा इतना ही संदेश है, आप किसी भी स्वरूप को पकड़ लीजिए, बस छोड़िए मत। मैं कितने लोगों को जानता हूं वो एक ईश्वर को पूजते हैं, एक स्वरूप को पूजते हैं, यहां से या कहीं से दूसरी 2-4-20 बातें सुनते हैं, 2 दिन में निष्ठा बदल जाती है उनकी। सत्य कह रहा हूं, 2 दिन में वो दूसरे ही कोई नाम को अलापना शुरू कर देते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उस नाम में भी अपने उसी ईश्वर को देखो जिस पे आप देखिए। प्रत्येक व्यक्ति रिलेशनशिप में क्या चाहता है, एटलीस्ट एवरी लेडी, मैन ऑल्सो वॉन्ट्स इट बट ही इज अनेबल टू गिव इट। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है लॉयल्टी हो। लॉयल्टी होती है जब संबंध में, तो संबंध दृढ़ होता चला जाता है, वो संबंध कुछ भी झेल सकता है जिस संबंध में लॉयल्टी हो।
ऐसे ही ईश्वर के साथ जो यदि स्वरूप में विश्वास करते हो, यदि साकार ईश्वर में विश्वास करते हो, जिसके साथ भी संबंध है, उसके साथ यदि लॉयल्टी से चलोगे तो कुछ भी पा सकते हो। आज यहां तो कल वहां, फिर दिक्कत है। जो ये ईश्वर ना दे पाया तो कोई ईश्वर नहीं दे पाएगा।